हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, रात के बज चुके हैं 8:30 और सब लोगों ने खाना खा लिया है। आज मैंने पूरा दिन हो गया कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। मेरे सर में बहुत दर्द है, सुबह से ही मैंने दवाई भी 2 बार ले ली है और बीपी भी चेक करवाया था। बीपी लो आया है थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं है और टेम्परेचर सही है बिल्कुल। और जो है प्रीति अभी पर्दे लगाने में लगी हुई है, क्योंकि दिन भर में जो है बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। और 3:30 बजे जो है हमारी इस कमरे की भी क्लीनिंग हो चुकी थी। ये देखिए, ये कमरा भी हमने चमका दिया है और आज LED जो है मैंने हटा दी थी, अभी रखवाई है। इसकी वायर जो है अभी तक नहीं लगाई है, वायर साफ किया है। यहाँ से लेके बाहर तक जो डिश की वायर है वो पूरी मक्खी ने बैठ कर जो है मक्खियों ने गंदी कर रखी थी बहुत ज़्यादा, तो उसे हमने साफ कर दिया है। अभी ये सेटअप बॉक्स लगाना है इसका, तभी ये TV चल पाएगा। वो बोल रहे थे गुड्डू के पापा तो मुझे कि इसका तार लगा दे। मैंने कहा तार मेरे पर लगाने नहीं आते, तार हटा दूँ बस, मैं हटा के साफ तो कर दूँ पर लगाने नहीं आते। लगा ली अपने आप, ये टेंशन नहीं मैं लेती। तो देखिए कमरा जो है एकदम ये भी चमक चुका है और हमने यहाँ पर पर्दे लगाने की भी तैयारी कर दी है। यहाँ के डंडे आ चुके हैं और कल लग जाएंगे, कल पर्दे लग जाएंगे, डंडे भी कल लग जाएंगे। और आरुषि जो है वो सो चुकी है, आरुष अभी तक नहीं सोया है। ये देखिए लेट हो गया है सोने के लिए। और देखिए पटली लेकर आया, पटली का क्या करेगा कमरे में। ये देखिए चिंकी, चिंकी अभी जगी हुई है, गुड्डू भी और आरुषि और नंदनी जो है वो दोनों सो गई है। और आज इन दोनों का काम नहीं आया है स्कूल का, आज इन्होंने सिर्फ लर्निंग की है, अपने अपने 2 चैप्टर जो है याद किए हैं। वरना तो घर को सजाने में यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या रखोगे, आज इनका पूरा दिन में यही चलता रहा। और देखिए इसने बेड पर ही पटरी रख ली है और इस पर ही बैठकर ये देखिएगा, ये मतलब इतनी ज़्यादा शैतानियाँ इसकी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, जितना बड़ा होता जा रहा है इसके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात चलते रहते हैं। और मैं बोल रही हूँ सो जा भाई, सो जा भाई, सुबह फिर लेट उठेगा। और सब चीजों के आज हमने अंदर से जो हमारे संदूक हैं और अलमारियां हैं सबके कवर जो है हमने धो दिए हैं। 1-2 कवर जो है उधर जाते हैं बच्चों से, जैसे अलमारी में से कपड़े निकालते हैं तो वो भी धुल चुके हैं, बस उन पे सिलाई करनी है, कल करेंगे। आज थोड़ा सा प्रेशर प्रीति के ऊपर रहा, क्योंकि दोनों टाइम का खाना भी उसने बनाया, मैं ज़्यादा कुछ आज नहीं कर पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। और सर में दर्द अब भी है मेरे, मतलब बिल्कुल आराम नहीं मिला है। और देखिए जो है मैंने ये वाले कलर की लगाई है जो मेरी जेठानी ने दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला कलर, बहुत ही हल्का सा कलर है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये लगाने में आजकल। और होंठ भी इससे फटे फटे नहीं, ये मतलब लिप गार्ड जैसा है एकदम, इतना अच्छा है। नहीं तो वैसी लिपस्टिक जब हम लगाते हैं तो उससे होंठ फटे फटे रुके रुके से हो जाते हैं, जब भी किसी कंपनी की लगाते हैं। ये अच्छा लगा मुझे लिपस्टिक, इसे मैं डेली यूज कर रही हूँ कई दिन से, आप भी देख रहे होंगे सभी। और इयर रिंग्स भी मैंने उस दिन से यही पहन रखे हैं, ये मेरे सेट के साथ के हैं इयर रिंग्स, मैंने ये वाले ही पहन लिए थे, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए इन्हें पहन लेते हैं फिर अपने गोल्ड के पहन लेंगे, कोई नहीं अब त्यौहार आ रहे हैं तो गोल्ड के पहन लूँगी। और ये देखिए क्या करूँ मैं इस लड़के का, कितना भी समझाते हो, सो जाओ बेटा, क्या करोगे अभी आप? मम्मी मेरा कान ठीक हो गया, लेट हो गया आप। और आज चिंकी का भी कान चीस रहा है, इसलिए बता रही है कि मेरा कान ठीक हो गया। मेरे कान के बारे में मम्मी बताएगी तो सबको पता चलेगा कि चिंकी का कान कैसा है, सब पूछेंगे फिर, तो इसलिए वो खुद ही बता रही है कि मेरा कान ठीक हो गया है। इसके कान में फुंसी निकल रही थी और मम्मी ये भी दवाई खा रही है। हमारी डेकोरेशन तो दिखा दो, दिवाली की हमने झूमर लगाए हैं, कल दिखाऊंगी आपकी डेकोरेशन, ठीक है? क्योंकि कल को और भी लगेंगे। गुड्डू दीदी बोलते हैं दो ही, चलो आओ दूंगी, आओ गुड्डू। कभी कभी तो गुड्डू दीदी आज बोल रहा था जब खाना खा रहा है, किसका? अरविंद चाचा का। देखा और जब खाना खा रहा था तो बोल रहा था बहन मैं भी खाऊंगा तुम्हारे पास में ही, और अब ये गुड्डू बोल रहा है। जब अपना काम निकालना होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमें अपना काम कैसे निकालना है। तो अभी अरविंद भैया का फोन आ गया है, तो चिंकी जो है फोन लेकर चली गई है, क्योंकि ये लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने चाचा का,
और दिन में आरुषि जब बात कर रही थी फोन पर तो बोल रही थी पापा अभी आ जाओ अभी आ जाऊं। अरविंद भैया बोल रहे थे कि मैं अभी कहाँ से आ जाऊं बेटा, इतनी दूर तो मैं हूँ, पूरी रात लगेगी मुझे आने में, सुबह तक पहुंचूंगा मैं। तो यही पूरा दिन इनका चलता रहता है। आरुषि इतनी बड़ी हो गई है फिर भी उसे प्रीति को ही सुलाना होता है। ये तो किसी के पास भी लेट कर सो जाता है, पिताजी के, माँ के, गुड्डू चिंके के पास भी सो जाता है, लेकिन उसकी क्या आदत है पहले से ही, जब उसका सोने का नंबर आता है दिन में सो या रात को, तो एक बार अपनी मम्मी से बोलते हैं मम्मी मुझे गोद में ले लो, और गोद में जाते ही मतलब इतनी जल्दी सो जाती है, बहुत जल्दी, उसकी आदत ये पहले से ही है। तब तक नंदिनी को मुझे या किसी और को ले, वैसे आज नंदिनी को ज़्यादातर मैंने ही खिलाया है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, एक तो मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा चलिए आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, फिर भी आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता जिस दिन आपसे बातें नहीं करते हैं। और यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिशियन आए थे, रात के टाइम ही उनका टाइम लगा था, एक दो होल्डर खराब थे, ये देखिए ये वाली लाइट जो है इन्वर्टर वाली लाइट ठीक हो चुकी है एकदम, ये सप्लाई वाली है जो डायरेक्ट है, ये वाली लाइट हमारी ये तो ठीक थी, लेकिन ये वाला होल्डर लग चुका है, यहाँ पर लाइट भी लग चुका है, तभी तो आज इतनी रौनक है घर में, रोशनी है। और चार पांच होल्डर जो है हमारे घर के खराब थे वो हमने लगवा दिए हैं, और किचन हैंगर, किचन में स्टैंड, वो सब सेट करा दिया है। जब हमारी किचन सेट हो जाएगी तब आपको दिखाएंगे कि हमारी किचन अब कैसी लग रही है, उसे हमने थोड़ा सा और मेक ओवर कर दिया है एक दो सामान लगाकर, और डब्बे भी लगाएंगे कल नए वाले, सोच रहे थे पेंट होने के बाद में लगाएंगे, लेकिन कोई नहीं पेंट अभी नहीं हो पाया है, पेंट इसलिए कम टाइम होता है, छोटा बच्चा है तो थोड़ी सी नंदिनी 8-7 महीने की हो जाएगी तब कराएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों में, तब तक ही हमारे दूसरे बच्चे जो हैं स्कूल में जाने लगेंगे, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, एडिट भी करना पड़ता है, तो काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। और स्टोर रूम में जो है हमने एंगर लगवाए हैं तीन प्रीति वाले स्टोर रूम में लगवाए हैं, और 3 यहाँ पर लगवाए हैं, और किचन में लगवाए हैं, और बाथरूम के सामने एक हैंगर लगवाया है, कई जगह हमने हैंगर लगवाए हैं जहाँ पर ज़रूरत थी कपड़े टांगने के लिए। और ये वाला जो हैंगर है यहाँ पर बोर्ड के पास में हमारे बेडरूम में जहाँ पर ये कपड़े टंगे हुए हैं, अब ये यहाँ से मुझे हटवाना है, कल हटवा दूंगी मैं इसे यहाँ पर, फिर इसे हटाने के बाद में यहाँ पर सीमेंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंगर जो है पुराने ज़माने के लगे हुए हैं, पुराने टाइम के ही पिताजी ने लगवाए थे, तो इनमें जो है गिट्टियाँ लगी हुई हैं इतनी मोटी मोटी हैंगर में, पीछे की साइड में जो दीवारों में सेट हो रही है कील लगने के बाद में, वो हटेगी तब उसमें सीमेंट भरेगा तब जाके यहाँ पर ठीक होगा। तो सोचा पेंट बाद में कराएंगे, क्योंकि दीपावली तो नज़दीक आई गई थी, वैसे भी हमारे कामों में इतने ज़्यादा, तब तक हमारे एक आधा पशु भी सेल हो जाएगा, क्योंकि अभी पशुओं का काम भी बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, पशु ज़्यादा हैं, और अभी उन्हें धीरे धीरे जो है उन सेल करनी शुरू करेंगे, उन्हें बेचेंगे, तो एक दो पशु ही रखेंगे हम, क्योंकि चारा जो है हमें खरीदना पड़ता है, खेती बाड़ी तो है नहीं हमारे यहाँ पर, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा काम कम करके तब हम लोग इस काम का जो है थोड़ा सा मेंटेन होगा काम हमारा। और फिर जो है आप लोग बोलते हैं कि इस पे फ्रेमिंग करवाइए अलमारियों पे, या तो इन पे लकड़ी की या फिर कांच की, ऐसा कुछ तो कराना पड़ेगा, क्योंकि इनमें हमें टेडी पियर, अपने फ्लावर पॉट, जो भी कुछ है हमारे पास में सजाने की घर को, तो अभी हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इनमें ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, इन्हें डेली साफ करना होता है और फिर उनका भी हमारा काम बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमने इन्हें प्लान ही रख रखा है, अभी ऐसे भी अच्छी लगती है। और ऊपर की साइड सारी पेंटिंग्स रख रखी हैं, जो तस्वीरें हैं हमारी पुरानी पुरानी, ये देखिए ज़्यादातर इनमें बच्चों की पेंटिंग्स हैं, और एक हमारे दादी बाबा जी की पेंटिंग है, छोटी सी फ़ोटो फ्रेम है, तो वो रख रखी है हमने, बस 3-4 चीज़ें हैं, लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है, 2 पोर्ट रखे हुए हैं, और इन्हें इतने दिनों में मौका लगता है, रोज़ रोज़ तो हम इनकी साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, बस नीचे की ही डीप क्लीनिंग हो रही है अभी घर की, डेली का क्या होता है पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, और किसी बस डस्ट साफ कर दो, यही काम होता है डेली का। तो बस ये तो हो गया आज का, कल किचन को देखते हैं, कल धनतेरस है। तो दोस्तों आप सबको भी धनतेरस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं यूपी ब्लॉगर बबली की तरफ से। तो चलिए हो गई आप लोगों से बातें, आपको पका दिया है बातें करते करते, आज कोई रूटीन नहीं बना पाई बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत नहीं थी, मन नहीं करता है जब तबीयत खराब रहती है, तो अभी दवाई लेंगे और रेस्ट करेंगे, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम, गुड नाइट।